हक इलम को लक्षण आशिको एही लक्षण एही इलम इश्क के आरिफ सोई अरस रहो मोमीना सोई अरस रहो मोमीना। प्रणाम सुंदर साथी, धाम धूनी अक्षरा पीठ ने हम सभी सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए तारतम वाणी कही है। श्रृंगार का ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ है। श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व वेद ने एक उद्घोष किया था कि वेदाह मैतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्यु मेति न अन्यः पंथः विद्यते अन्याय। संपूर्ण मानव सृष्टि को कहा गया था कि ए संसार के लोगों, अगर तुम जन्म और मृत्यु के इस भव सागर से बाहर निकलना चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और वो रास्ता कौन सा था? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, कि संसार के अंधकार से परे एक सूर्य के उगते हुए सूर्य की लालिमा के समान एक पुरुष है वेदाह में तम, उसको जान करके और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन करोड़ों करोड़ों साल तक इस संसार में जितने भी महान ऋषि हुए, तपस्वी हुए, कोई ये जान नहीं पाया कि वो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् पुरुष है कौन। और इस सृष्टि में, इस 28वें कलयुग में एक अनहोनी घटना घटी। आज दिन तक जब से ये दुनिया बन रही है, कोई भी प्रकृति से परे उस पुरुष को नहीं जान पाया। इस 28वें कलयुग में वो अनहोनी घटना हुई। विक्रम संवत 1741 से 1741 का समय, भारतवर्ष की भूमि, विंध्याचल का पर्वत और पन्ना की वो धरती जहां पर ये श्रृंगार की वाणी उतरती है। इस श्रृंगार की वाणी में उन सभी रहस्यों से पर्दा उठा दिया गया। वो पुरुष कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, वो साकार है, निराकार है, दोनों से परे है, उसका सारा वर्णन श्रृंगार की इस वाणी में धामधनी ने कर दिया। इस प्रकरण में राज्य के मुखारविंद की शोभा का वर्णन किया जा रहा है और उससे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण की चौपाई है। एही हक इलम को लक्षण आसी को एही लक्षण। इसमें दो प्रश्न उठाए गए हैं। एक तो है कि हक इलम का लक्षण और दूसरा है आसिको रोहन लक्षण, कि हक इलम की पहचान कैसे है और परमधाम की आत्माएं या मोमिनों की पहचान कैसे है। आज तक इस संसार में करोड़ों ग्रंथ लिखे गए, 10,000 से ज्यादा वर्तमान समय में इस संसार में संप्रदाय हैं, 1 करोड़ से ज्यादा धर्म के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, 90 लाख महात्मा केवल भारतवर्ष में हैं, इस देश में जितने गीता और रामायण के पाठ हुए शायद कहीं भी नहीं होंगे। इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा छपने वाली किताब बाइबल थी। हजारों पादरी, हजारों मुस्लिम उलेमा, हजारों भारत के सन्यासी प्रतिदिन समाज को सत्य की राह दिखा रहे हैं। लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतने ज्ञानी होने के बावजूद, आज दिन तक कोई ये नहीं बता पाया कि इस प्रकृति से परे क्या है, इस प्रकृति से, इस अंधकारमय जगत से परे वो आदित्य वर्णम पुरुष कैसा है। धामधनी ने इस कुलजम स्वरूप ग्रंथ के अंदर न केवल उसकी पहचान बताई अपितु उसको पाने का मार्ग भी बताया। हक इलम का लक्षण क्या है? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आपको शरीयत सीखनी है
तो आपको क्या करना होगा, आपको कुरान और हदीसों की शरण में जाना पड़ेगा। यदि आपको तरीकत सीखनी है तो आपको सूफियों के ग्रंथों को पढ़ना होगा। यदि आपको ज्ञान कांड सीखना है, उपासना कांड सीखना है, ज्ञान कांड सीखना है, तो आपको वेद की शरण में जाना होगा। यदि आप प्रकृति का ज्ञान जानना चाहते हैं तो आपको सांख्य मुनि, सांख्य दर्शन की शरण में जाना होगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि काल क्या है तो आपको वैशेषिक दर्शन की शरण में जाना पड़ेगा। यदि आप सन्यास के नियम जानना चाहते हैं तो सन्यासियों ने सन्यास के 88,000 नियम बनाए हैं। तो यानी जिस जिस ज्ञान को आप जानना चाहते हो, अमुक अमुक व्यक्ति, अमुक अमुक किताब की शरण में आपको जाना होगा। लेकिन हक का इलम क्या है? धामधनी ने कहा है कि दुनी सकल जहान में किताबें बिना हिसाब, दुनी सकल जहान में किताबें बिना हिसाब, के संसार के अंदर बेहिसाब किताबें हैं। इनमें बातें जो हक की, और इन सब किताबों में जिस हक की बात, जिस अक्षरातीत परमात्मा की बात कही गई है, इनमें बातें जो हक की, सो सब मिने किताब। उन सब बातों को इस तारतम वाणी के अंदर, कुलजुम स्वरूप के अंदर निहित कर दिया। खिलवत की एक बिल्कुल सरल सी चौपाई है कि तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरो वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आज कुछ नए लोग आए हैं, ये प्रश्न धामधनी ने देवचंद्र जी से पहली बार नहीं पूछा। ये प्रश्न तो हजारों साल पहले वेदों के अंदर भी पूछा गया था। इस संसार के अंदर जिस भी प्राणी का अस्तित्व है, उसके सामने ये प्रश्न हमेशा से खड़े हैं, जब से वो संसार में जन्म लेता है। यजुर्वेद की वाणी में कहूं तो यजुर्वेद ने कहा है, को असी, को नाम असी, कस्या असी, कि ऐ मानव, तू जानता है कि तू कौन है, तू कहां से आया है, कहां तुझे जाना है, और तेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। आप सोचते होंगे कि मैंने इस घर में जन्म लिया, लेकिन हम थोड़ा सा बुद्धि को दौड़ाएं और ये सोचें कि इस घर में जन्म लेने से पहले मैं कहां था, और जब इस संसार में मैं नहीं रहूंगा तब मैं कहां जाऊंगा, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। अगर हमने से किसी भी व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? कभी भी नहीं बैठे रहेंगे। हमारे अंदर व्याकुलता होगी कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं, किसी तरह से मैं बाहर की दुनिया को देखूं, इस कमरे से बाहर है क्या। उसी तरह से उपनिषद कहता है कि जिस तरह एक पक्षी अंडे में कैद होता है, उसी तरह से एक मनुष्य अपने ही बनाए संसार के अंदर अपने आप को कैद कर लेता है। विचार कीजिए कि यदि हम में से किसी को एक अंधकार में कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम एक क्षण भी नहीं बैठ पाएंगे। हमारे अंदर यही प्रतिद्वंद चलता रहेगा कि कब मैं इस कमरे से बाहर निकलूं, कोई ना कोई युक्ति बनाते रहेंगे, लेकिन कितनी बड़ी विवशता है। यहां पर सभी अधेड़ उम्र के बैठे हैं, 40, 50, 60, 70। मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि इस 60 बरस की उम्र में, इस 70 बरस की उम्र में हमने कितनी बार ये सोचा कि इस जन्म और मृत्यु के सागर के परे क्या है, आखिर मैं हूं कौन, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मैं इस संसार में कर क्या रहा हूं। हमने एक छोटी सी परिपाटी बना ली कि एक बालक है, उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करो, उसका विवाह करो, उसकी संतान उत्पत्ति होगी, फिर वो उसका विवाह करेगा, वो दादा परदादा बन जाएंगे और एक दिन संसार से चले जाएंगे। क्या जीवन इसीलिए मिला था, या जीवन का लक्ष्य कोई और था? इस संसार के अंदर बड़े बड़े राजा गवाह रहे हैं कि जिन्होंने धन संपत्ति यश की कामना की और सब यहीं का यहीं छूट गया। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, राजा मारुत भारतवर्ष की भूमि पर हुए। राजा मारुत के बारे में कहा जाता था कि जब राजा मारुत का राज्य था तो इस धरती में अन्न बोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, धरती अपने आप अन्न पैदा करती थी, ऐसा उस राजा का तप था, तेज था। लेकिन आप में से कितने लोग राजा मारुत के बारे में जानते थे? शायद किसी को उनका नाम भी नहीं पता होगा।
क्या आपने कभी राजा अमूर्तया का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस गंगा की बालू में जितने कण हैं, उस कणों की गिनती से ज्यादा भी गाय अमूर्तया ने ऋषियों को दान में दे दी थी। क्या आपने राजा सुहोत्र के बारे में कभी सुना है? राजा सुहोत्र के बारे में कहा जाता है कि जब उनका राज भारत भूमि में था तो भारत की नदियां सोना बहाया करती थी। ये वो महान तपस्वी राजा हुए हैं जिन्होंने अपने धन, वैभव, यश और त्याग के बल पर इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन आज की पीढ़ी इन लोगों का नाम भी नहीं जानती। लेकिन मनुष्य कितना मूर्ख है, हम लोगों की कितनी बड़ी मूर्खता है। छोटे से जीवन में हम चाहते हैं कि मैं ये यश कमा लूं, ये नाम कमा लूं, ये धन कमा लूं, मैं अपने परिवार को बढ़ाऊं, जमीन जायदाद को बढ़ाऊं। लेकिन संसार गवाह रहा है, इतिहास गवाह रहा है कि जिसने भी यश, धन, नाम और काम की कामना से संसार में प्रयत्न किया, सबको इस संसार से खाली हाथ जाना पड़ा। हक इलम का लक्षण क्या होगा? शरीयत तरीकत की बातें जहां समाप्त हो जाएंगी, प्रकृति का ज्ञान जहां समाप्त हो जाएगा, काल की सीमा जहां पर समाप्त हो जाएगी, वहां से इंद्रावती जी ने अपने ज्ञान की महिमा को शुरू किया। किरंदन में कहा गया है कि ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। संसार का सारा ज्ञान कहां खत्म हो जाता है? अगम तक। आप किसी भी धर्म संप्रदाय में चले जाइए, हर कोई परमात्मा को निराकार बता देगा। इस संसार के अंदर आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य का विस्तार है, यानी एक सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और ये जो हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल के अंदर कई करोड़ों सूर्य हैं। और ये जो आकाश गंगा है, उसके अंदर कई अरबों सौर मंडल है। और ये तो एक आकाश गंगा है, ऐसी हजारों, अरबों, खरबों आकाश गंगाएं हैं। और इतनी अरबों खरबों की संख्या को जानने के बावजूद नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब तो पूरे संसार का 3% भाग है, बाकी 97% क्या है हम जानते ही नहीं। वो 97% क्या है, वो अगम है, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। और तातम वाणी डिमडिम घोष के साथ कहती है कि तुम्हें मैं उस अगम के पार ले चलती हूँ। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार, अपार पार, तहां है तेरो करार। जब तक तुम्हारी सुरता उस अगम के पार, अपार के पार, रंग महल में नहीं पहुंचती, तब तक तुम्हारी आत्मा को आनंद नहीं मिलेगा। तो हक इलम का लक्षण क्या है? ऐसी किताब, ऐसा ज्ञान जो अगम से परे, उस निराकार से परे और बेहद से परे भी अक्षरातीत की पहचान कराए। हक इलम से होत है अरस बका दीदार। और दूसरा प्रश्न क्या है? आस्तिको एही लक्षण। आस्तिको का लक्षण क्या है? आज तातम लेने के बाद हर कोई अपने आप को सुंदर साथ कहता है, हर कोई ब्रह्म सृष्टि का दावा करता है, हर कोई अपने आप को मोमिन कहलाना शुरू कर देता है। लेकिन आज धामधनी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मोमिन की पहचान क्या होगी। जैसे हजारों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ में मेरा मोमिन खड़ा हो, आप उस मोमिन को कैसे पहचानोगे? क्या ऐसे लक्षण होंगे जिससे मोमिन की पहचान होगी? आप विचार कीजिए कि आप एक भीड़ में हैं, एक साधु वहां खड़ा है, उसने अपने माथे को रंग रखा है, सिर पर जटाए हैं, आप क्या सोचेंगे कि ये कोई सन्यासी है। एक व्यक्ति वहां खड़ा है जिसने गेरुआ वस्त्र पहना है और सिर पर चोटी है, आप क्या सोचेंगे कि ये कोई वेद का पाठी है। एक व्यक्ति वहां खड़ा है जिसने ऊंचा पजामा पहना है और जिसकी दाढ़ी है, सिर पर टोपी है, आप क्या कहोगे, ये तो कोई मुसलमान है। तो मोमिन की पहचान क्या होगी? क्या मोमिनों की भी कोई वेशभूषा होगी? क्या मोमिन भी किसी तरह का आडंबर करेंगे? धामधनी ने मोमिनों की पहचान बताई है।
उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। धामधनी ने इस संसार के अंदर जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने चाहे प्रेम या चाहे ज्ञान के बल पर ऊंची छलांग लगाई हो, तारतम वाणी ने उनका नाम लेकर के उनको एक महान सम्मान दिया है। जैसे अभी 26 जनवरी का दिन था, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर से कुछ चुनिंदा लोगों को सम्मान दिया, पुरस्कार दिया। भारत की करोड़ों की जनसंख्या में यदि 2 या 3 व्यक्तियों को वो सम्मान मिलता है तो आप सोच सकते होंगे कि उनकी कितनी महिमा है। तो इस संसार के अंदर जिन महान पुरुषों को, जिन महान प्रेमियों को, जिन महान ज्ञानियों को अक्षरातीत ने अपनी वाणी में नाम दिया, स्थान दिया, आप सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए भी कितने प्रेरणादायी। लैला और मजनू का नाम आप सब जानते होंगे। जब मजनू लैला के प्रेम में पागल हो जाता है, चारों तरफ पागलों की तरह घूमता फिरता है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, लहूलुहान हो जाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं और वो गली गली मारा मारा फिर रहा है, लैला लैला का नाम ले रहा है। उसकी देखा देखी कई लोग अपने कपड़े फाड़ करके घूमने फिरने लग जाते हैं, वो भी उसको देख करके लैला लैला कहने लग जाते हैं। होता क्या है कि हर गांव के अंदर 2 पुरुष ऐसे हैं, 3 पुरुष ऐसे हैं जिनके कपड़े फटे हैं और जो अपने मुख से लैला का नाम ले रहे हैं। अब पहचान कैसे हो कि मजनू कौन है? कैसे पहचान होगी कि जो वास्तविक में प्रेमी है वो कौन होगा? एक फकीर लैला के पास पहुंचता है, लैला को जाकर के कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, तेरे नाम के आशिक तो हजारों हो गए, लेकिन वास्तव में जो मजनू है उसकी कैसे पहचान होगी? लैला ने कहा कि तुम उसके पास जाओ और उसको कहना कि लैला ने तुम्हारे हाथ की उंगली का थोड़ा सा रक्त मंगाया है। अब वो फकीर निकलता है, वो पहले व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने कहा कि लैला ने तुम्हारे हाथ का कुछ रक्त मंगाया है, ये लो चाकू मैं तुम्हें देता हूं, मुझे थोड़ा सा रक्त दे दो। उस व्यक्ति ने अपने हाथ को पीछे कर लिया, वो कहने लगा नहीं नहीं मैं रक्त नहीं दे सकता। वो आगे बढ़ा, ऐसे करते करते वो कई व्यक्तियों के पास पहुंचा जो अपने आप को मजनू बताते थे, लेकिन हर किसी ने बात को टाल दिया और अंतोगत्वा वो रेगिस्तान में थक हार कर बैठ गया। वो जहां बैठा तो वहां पर एक फटेहाल व्यक्ति था, वो फटेहाल व्यक्ति के पास पहुंचता है, उससे उसका हाल पूछता है। वो कहता है कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? उस फकीर ने कहा मुझे मजनू की तलाश है, मैं लैला के पास गया था, उसने मुझे बताया कि जो मेरा प्रेमी होगा उससे तुम थोड़ा रक्त मांगना, वो संकोच नहीं करेगा। वो जैसे बात कर रहा था उसे तो पता भी नहीं था, हाथ चाकू साथ में पड़ा था और उस व्यक्ति ने तुरंत अपने हाथ हथेली की नस को काटा और कई खूनों खून वहां पर लहूलुहान हो गया। कई देर बाद उसने देखा कि ओह, वो पहचान गया कि यही वास्तव में मजनू है। कहने का मतलब क्या है? हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है। आप मेरी बात को समझे, हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है। दोनों को दूर से देखेंगे कैसे लिखेगा, दोनों निर्मल सफेद रंग के हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? आप कभी बगुले को देखेंगे, वो एक छोटी सी गंदी तालाब के अंदर मछलियों को चुनता है, और एक हंस को देखेंगे वो मानसरोवर में जाकर के मोती को चुनता है। ये दोनों में अंतर है। बाहरी वेशभूषा बिल्कुल एक जैसी, दोनों दूध के जैसे उज्जवल हैं, लेकिन उनका आचार, उनका व्यवहार दोनों में अंतर कर देता है। अब धामधनी, अब आप ध्यान से सुनिए, धामधनी ने मोमिन की क्या पहचान बताई, मोमिन की क्या पहचान होगी? धामधनी कहते हैं कि मेरे मोमिन की पहचान क्या होगी, खाते पीते उठते बैठते सुकन सोवत जागरत, दम न छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। एक बार फिर से मैं इस चौपाई को दोहराता हूं, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत।
वो कोई अलग से व्यक्ति नहीं होगा, वो संसार का ही सामान्य प्राणी दिखेगा, संसार के लोगों की तरह काम करेगा, कमाएगा, भोजन भी करेगा, सोएगा, उसको भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसके शरीर पर भी संकट आएंगे, उसके शरीर पर भी बाधाएं आएंगी, लेकिन उसकी पहचान कैसी होगी? देखन को तन सागर माही, वो खेले प्रेमे पार पिया सो, देखन को तन सागर माही। खाते पीते हम हमारे शरीर को आहार देते हैं, वो भी अपने शरीर को आहार देगा, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उस अर्थ के ताम को ग्रहण करती रहेगी। हम संसार के अंदर पानी पीते हैं, वो भी अपनी शुद्धा को बुझाएगा, लेकिन उसकी आत्मा हर समय उस आप्य हयात को पीती नजर आएगी। उठते बैठते वो संसार में उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा, लेकिन उसकी आत्मा रंग महल की गलियों में हमेशा घूमती रहेगी। उसकी आत्मा रंग महल की उन हवेलियों में हमेशा धामधनी को देखेगी, और सुपन सोवत जागृत चाहे किसी भी अवस्था में होगा, लेकिन उसकी आत्मा प्रतिदिन प्रतिक्षण 8 पहर 64 घड़ी किससे जुड़ी रहेगी? धाम धनी से जुड़ी रहेगी। तो ये क्या है? ये आशिको ए ही लक्षण, ये एक मोमिन की पहचान। अब हमारे सामने प्रश्न उठ गया, आज रविवार है, आप कल के दिन को देखिए, कल शनिवार था, आपने सुबह उठे, आपने भोजन किया, दोपहर को भोजन किया, रात को भोजन किया, हम समय पर नहाए धोए, खाना खाया, समय पर सोए, लेकिन तारतम वाणी अब हमसे प्रश्न पूछती है कि खाते पीते उठते बैठते तुम्हारे दिलों में क्या था? वो समय बताओ जब तुम सो रहे थे, सुपन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? 8 पहर की बीतक में धामधनी का हमारे हमें क्या हुक्म दिया है कि अब तुम सारी चिंताओं को छोड़ करके अपनी सुरता को कहां लेकर के जाओ? श्री राज पौढ़न की थौर, श्री राज पौढ़न की थौर। और जब सुंदर साथ उठते थे तो उठने से क्या प्रारंभ होता था? युगल स्वरूप का श्रृंगार। हम सबके सामने प्रश्न है कि हम भी दुनिया में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन इन सब क्रियाकलापों के साथ हमारी सुरता कहां लगी है? क्या वो अरस में है या अभी तक इस संसार के अंदर है? जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन अरस अक्षरातीत और रूह के बीच में कोई भी पर्दा नहीं रहेगा। तो ये छोटी सी बात थी, कहने को ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको जीवन में उतारना चाहें तो हमें ये देखना होगा कि हम कितने फासले को तय कर चुके हैं, कहां हम पहुंच चुके हैं और कहां पर हमें पहुंचना है। जीवन तो क्षण भंगुर है, एक ओस की बूंद की तरह जो एक पत्ते पर पड़ी है, हवा का कौन सा झोंका आए और ये नीचे गिर जाए, एक दीपक की तरह हवा का कौन सा झोंका आए वो इस दीपक की ज्योति को बुझा दे। हम सबके सामने प्रश्न है कि मोमिनों का ये लक्षण है, अगर ये लक्षण हमारे अंदर लक्षित हो रहे हैं तो हम दावा कर सकते हैं कि हम मोमिन हैं, और अगर ये लक्षण हमारे अंदर लक्षित नहीं होते तो क्या होगा? क्या हम मोमिन नहीं है? राज की वाणी के अंदर एक किस्सा है, धामधनी ने कहा है कि एक बार दो पतंगे थे। क्या थे? दो पतंगे। एक पतंगा दूसरे पतंगे के पास जाता है और दूसरे पतंगे को क्या कहता है कि मैंने कहीं पर प्रकाश देखा है, मैंने कहीं पर रोशनी देखी है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे उस रोशनी का दीदार करा कराऊं। सरकार श्री बहुत उदाहरण दिया करते थे। पतंगे का सुहाग क्या है? पतंगे का सुहाग है अंधेरा। पतंगे का सुहाग क्या है? अंधेरा। उसको अंधेरा पसंद है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में हजारों छोटे छोटे पतंगे होते हैं जो बल्ब तक जाएंगे, जलती हुई दीपक की लौ तक जाएंगे, अपने प्राणों को समाप्त करते हैं। उनकी कोशिश क्या है कि मैं कुछ भी करूं इस ज्योति को बुझा दूं। वो जानता है कि तू ज्योति के पास जाएगा तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसे जीवन समाप्त करना मंजूर है,
लेकिन वो अपने सुहाग को अंधकार को छोड़ना नहीं चाहता। तो अब उदाहरण दे रहे हैं धामधनी रास की वाणी में कि एक पतंगा दूसरे पतंगे के पास जाता है और कहता है कि मैं देखा है दीपक, चल दिखाऊं तोहे, कि मैं एक दीपक को देख करके आया हूं, चल मैं तुझे उस दीपक को दिखाता हूं। होना क्या चाहिए था? पतंगा तो वो है, पतंगे की पहचान वो है कि जब वो कभी दीपक को या ज्योति को देखे तो उसके ऊपर जाकर के अपने शरीर को कुर्बान करके फना हो जाए। अगर वो घूम रहा है इधर उधर, अगर वो बता रहा है दूसरे पतंगे को कि मैं देखा है दीपक, चल दिखाऊं तो है, चल मैं तुझे दिखाता हूं, तो दूसरे पतंगे ने पहले पतंगे की हंसी उड़ाते हुए क्या कहा कि या तो वह दीपक ना है या तू पतंगा ना है, या तो वह दीपक ना है या तू पतंगा ना है। ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो जिसको तू देख करके आया है वो दीपक नहीं, और या अगर वो दीपक है तो फिर तू पतंगा नहीं। क्यों? वो कहता है कि पतंगा क्या होता है मैं तुझे बताता हूं। पतंगा कहिए तिनको जो दीपक देख झपाए। अगर पतंगा तो वो है जो दीपक को देख कर ही झांप खा ले, यानी उसके ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दे। तू देख करके आया है, संदेशा मुझे देने आया है, या तो वह दीपक ना है या तो पतंगा ना है। तो इन लक्षणों को सुनने के बाद, आत्मसात करने के बाद, तत्त्वमणि का अनमोल ज्ञान होने के बाद हमें सोचना चाहिए कि या तो तू पतंगा ना है या वो दीपक ना है, या तो जिसकी पहचान कुलजम स्वरूप वाणी करवा रही है वो तुम्हारे धाम धनी अक्षतीत प्राणनाथ नहीं, या तुम अरज के मोमिन नहीं। क्यों? पतंगा कहिए तुमको जो दीपक देख छपाए। तो समय किसी के हाथ में नहीं रहता। अंजलि में पानी भरा, कितनी देर आप उसको संभालेंगे? एक दिन सारा का सारा पानी रिस जाएगा। एक कमरे के अंदर आप हवा को कब तक कैद करके रखेंगे? मुट्ठी में हवा को नहीं बीचा जा सकता। उसी तरह इस संसार के अंदर जो भी आया उसे संसार से जाना है। हम भी इस संसार में आए हैं, हमें समय मिला है, मांग ली प्यारी उम्र एजो रबद के वक्त। जो उम्रें हम मांग करके आए हैं आज समय है, जय तू उठी काटी बिना तो बहुरी चाहिए ही अवसर। उस दिन सबके सामने सबके अमाल होंगे, वहां इंद्रावती जी भी खड़ी होंगी, वहां लालदास जी भी खड़े होंगे, वहां श्यामा जी भी खड़ी होंगी, सबकी झोलियां भरी होंगी। वो सूत काट करके लाए, कितना मनोमन सूत काट कर लाए, और हमारे हाथ में क्या होगा, हमारी झोलियों में क्या होगा? वो सूत आज समय है, उस सूत को काटने का आज समय है, अपने तन मन धन को अपने प्रीतम पर ब्रह्म अक्षरातीत पर कुर्बान करने का। तो हम यहाँ आते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आए, अधिक से अधिक ज्ञान को सुने और अधिक से अधिक इसको आत्मसात करें। हमारा संकल्प हो कि जो मैं सुन रहा हूं मैं इसको अपनी रहनी में लेकर के आऊं। और एक शुद्ध संकल्प जब होता है, अक्षरातीत की नहर होती है, तो मोमिन अपने आप आत्म जागृति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। और अंत में तो हम सभी धामधनी से बस यही अर्जी करते हैं कि जिस तरह से आपने हमें अपने चरणों में बुलाया, आपने हमें यहाँ बिठाया, आप खुद ये ज्ञान हमें सिखा रहे हैं, आप खुद हमारे अंदर बैठ करके हमारी आत्मा को जगा रहे हैं, केवल आपसे ही हमें उम्मीद है। हमारा काम इतना है कि हम अपने तन मन धन को पल पल धरनी पर समर्पित करते चले। अब मेरा समय भी पूरा हुआ, मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। एही हक इलम को लक्षणा, आशिको एही लक्षणा, एही इलम इसक के आरफ, सोई अरस रुहु मोमीना, सोई अरस रुहु मोमीना। बोलिए श्री प्राणनाथ।